लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अड़गानी बाबा जी, जी ये यहाँ पर इतना सजाटा क्यों है बाबा? मेरे ख्याल से नूर ही ना थोके गुजरा है यहाँ से। अच्छा चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ पर, उनको बोलो कि मैं आया हूँ। गलती से भी मैंने अगर आपका नाम ले लिया कि आप आए, फिर तो आप भूल जाए कि वो बाहर आए। कितना अच्छे से जानते उन सबको भाई, मुझे तो एहसास हो रहा है कि तुझे मैं अपना बेटा बना दूं। मौलाना साहब एक बात बताऊं, ये तो मैं नौकरी के हाथों मजबूर हूँ, वरना मैं तो उनसे भी गया गुजरा हूँ, यकीन माने आप। वैसे ठंडा तो आप पी के आए होंगे, और गर्म इस उम्र में कुछ ठीक नहीं लगता। एक काम करें, आप यहाँ बैठे टीवी देखें, मैं अभी आया, घंटी की सीटी बजे देखता हूँ बाहर कौन है। अरे मतलब यहाँ कोई मैं टीवी देखने आया हूँ, कमाल हो गया भाई, बैठ जाते हैं। तो यहाँ मेहमान बहुत आते हैं बाबा। अरे लेकिन मैं खुद भी तो मेहमान हूँ। मैं आने का मैं आने आई 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 आगे आगे जी मारा था। हाँ। तुमको गांव से निकाल दिया गया जो इधर ही पड़ा रहता ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, मेरे बेटे का घर है ना। वैसे कहावत है कि शरीफ आदमी पर बेटी के घर का पानी भी आराम है। हाँ। सेठ साहब पानी ले आऊं? पानी नहीं नहीं नहीं, पानी का चाय तो पी सकते हैं ना। जाओ यार चाय लेकर। अच्छा कहावत में समोसे का जिक्र तो नहीं है ना जी? अरे बाबा ये कहावत है, कोई किताब तो नहीं है। ठीक है तो फिर मौले से पैसे लेके ना तो समोसे भी ले आओ, और एहतियातन केक और जलेबी भी ले आना। देखो हिस्मत, कहावत को मैंने नहीं बनाई, जो तू जिद करके मेरी जेब खाली करा रहा है। इतना बड़ा बड़ा कहावत सुना के अपना दिमाग खाली कर रहा है, अपना पर्स भी खाली कर रहा ना जी। अरे मेरी जेब अगर खाली हो गई तो दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि तू मेरी जेब पर ही तो पल रहा है। अब दोस्ती में इस तरह बात करेगा जी? यार सेठ हशमत, दोस्ती का नाम लेकर तू मुझे राम कर देते। ठीक है देखते हैं, पर्स भी नहीं निकल रहा ना। हाँ अच्छा भाई बात सुनो, ये लो ये 100 रुपए का, ले आओ समोसे। ये तो हो गए चटनी के पैसे, अब लाए समोसे के। जाओ ना बाबा, तुम जो भी ये बदले आओ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बात सुने प्लीज। भाई देखो बात सुनो, मैं एक बहुत जरूरी काम से ना समोसे लेने जा रहा हूँ, और देख पैसे मत मांगना, हिसाब के हैं पूरे। एक्सक्यूज मी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तुझे जाहिल लग रहा हूँ, गवार लग रहा हूँ। अबे इस हुलिये पे मत जा, आज के दौर में सबकी यही हालत हो गई है। अच्छा देखिए भाई, मैं ना सेल्समैन हूँ, लॉटरी के टिकट बेचता हूँ, बस आखिरी के ये 2 टिकट बचे हैं भाई। देख भाई बात सुन, तनख्वाह तो वक्त पे मिलती नहीं, लॉटरी कैसे लगेगी? भाई आप कोशिश तो करें, हो सकता है आपकी कोशिश से हमारी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। देख भाई मैं खुद सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ ना, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। कुछ लोग हैं मैं उनसे तेरी मुलाकात कराता हूँ। देख रो मत मेरी हंसी निकल जाएगी, उन लोगों से तेरी मैं मुलाकात कराता हूँ, हो सकता है तेरा कोई काम बन जाए। आजा चल सदा, चलो आओ आओ आओ, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा भाई। आइए ये लॉटरी कितने का? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक का इनाम निकल सकता है। मेरा इन बातों पे कोई यकीन नहीं है भाई, मेरा तो मानना है बाबा कि इंसान करोड़पति मेहनत से बनता है, ये सारी चीजें फजूल है बाबा। सर यकीन करेंगे, मेरे पास ये आखिरी 2 टिकट बचे, अगर ये टिकट नहीं मिले ना तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। यार ऐसा करने से तो मेरा दिल नरम हो जाता है बाबा। इसीलिए तो इस बेचारे को मैं यहाँ लाया हूँ, इसका गम मुझसे देखा नहीं गया बेटा, और मुंह खराब ना करो उधर देखो। अरे जानी बाबा, तुम्हें दुनिया के दुखों का दारुला मानना अपना ही घर लगता है, जिसको देखो उठा के ले आता है। अरे बच्चू ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात है। हाँ बेटा
कितने टिकट है तेरे पास? मेरे पास सिर्फ 2 टिकट बाकी। अरे बाबा कितने की हैं? 500 का एक। एक मेरे लिए भी ले दो, लेकिन एक मसला है। क्या? वो मेरे पास बहुत बड़ा नोट है जी, खुला नहीं है। कोई बात नहीं पापा जानी, मेरे पास खुला है, मैं दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, बहुत ही बड़ा नोट है, उसका खुला नहीं होने का। लाख का नोट लेके घूम रहे हैं सेठ साहब? मेरे पास चेक है, चेक है। मैं समझ गया बेटा, तुम ऐसा करो, 2 टिकट मुझे दे दो और ये लो 1,000। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया पापा। एक टिकट मेरे को दो ना। अच्छा, जब निकल आएगा तो 500 तुमको वापस कर देगा जी। पापा मेरे को मालूम है ना तेरे पास पैसे होंगे ना तेरा चेक जो है ना वो कैश होगा। तुम तो मेरे को अच्छी तरह जानते है ना मोले। क्या पापा जानी, आप भी इन चक्रों में कहाँ पड़ गए? अरे बच्चू बेटा, मैंने तो उसका दिल रखने के लिए किया है, वरना मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखता ना बाबा। जरा अपना टिकट दिखाने का। क्यों बाबा, इसमें क्या मंतक है? नहीं मंतक नहीं, दिखाने का है। दिखाओ। ठीक है, बहुत गर्मी है। वाह वाह, दोनों के पास एक एक लॉटरी का टिकट, ये होती है दोस्ती। धमाका लॉटरी है ये। बाबा दोस्ती का तो तब पता चलेगा जब एक का नंबर आएगा और दूसरे का मुंह खराब हो जाएगा। पापा टिकट दिखाए। मैं नहीं देगा ये। दिखाए ना, नंबर तो देंगे। दे अच्छा, चलो दे लो। वाह वाह, ये ले। बाबा सही, आप दिखाए। हाँ बाबा ले लो। क्या हो गया जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये ले बाबा साहब। नहीं तुम्हारा मुंह मुझे ठंडा ठंडा लगा ना। नहीं पापा कोई बात नहीं है। अच्छा, अरे बाबा जब वो कह रही है कि कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अपनी तरह से बोल दे कुछ ना कुछ है? पापा आप जरा आए मेरे साथ, बात सुनो मेरी। पापा जरूरी बात करनी है आपसे। तुमको जरूरी बात करना था, बोलने का। आपने उनकी लॉटरी का नंबर देखा? हाँ बहुत ही लंबा था जी। क्या था? मेरे को जूते का नंबर याद नहीं होता तो वो कैसे रहेगा जी? अरे पापा उनकी लॉटरी का नंबर था 2220420। इस बात के लिए बुलाया गया हमको, नंबर याद है क्या? नहीं है। अरे पापा उसका आखिरी का नंबर 420 है। तौबा तौबा, अच्छा किया जो मैंने लॉटरी का टिकट नहीं लिया जी। नहीं बुरा हुआ पापा। वो क्यों? हमारे पुराने घर का नंबर क्या था? 420। टेलीफोन नंबर क्या था इन पे? 420। और तो और आपकी तारीख पैदाइश 4th महीना 20 तारीख। और याद है एक बार लाहौर की पार्टी ने आपको चेक दिया था जो बाउंस हो गया था, उसने आपके ऊपर पर्चा भी कटवाया था तो 420 का। और उसके बाद दूसरी पार्टी से आपको 4,20,00,000 का चेक भी मिला था, याद आया? वेरी गुड, इसके हिसाब से तो लॉटरी का नंबर मेरे पास होना चाहिए ना। हाँ ना पापा, वो तो मुझे लकी नंबर लगता है आपका। मेरे ख्याल से वो टिकट आपको बाबा साई से ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि वो बदली करना का, लेकिन मैं कोशिश जरूर करेगा जी। कोशिश करते हैं ना पापा। आ जाओ, कोशिश करते हैं। आ जाओ आ जाओ। सीमा तुमको मालूम है मौलादत कितना जबरदस्त आदमी है? मेरा मतलब है, जी जी मालूम है। पापा साई की तो क्या बात है। देखा पापा साई, बकरे को दिबा करने से पहले पानी पिला रही है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है जरीना मेरी बहन। बाबा साई क्या तुम्हें बकरे लगते हैं? है तो नहीं, लेकिन तुम बना रही हो। नहीं नहीं, मौला जाज जो है ना तारीफ के काबिल है, इसीलिए तारीफ हो रहा है ना। बाबा साई मेरे को तो दूध में कुछ काला लग रहा है। अरे दूध में नहीं, दाल में काला होता है। हाँ दाल तो होती ही काली है, लेकिन अब दूध में भी मुझे कुछ काला लग रहा है। सरीना सरीना, हर वक्त अपनी बहन के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते। बहन कौन बहन? बाबा साई भला अदा बच्चू और मेरे अलावा भी आपकी कोई और भी औलाद है? नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो तुम। ये लीजिए जनाब, आपकी फरमाइश पे समोसे। अरे बाबा वो बकाया पैसे तो दो ना मुझे वापस। बकाया पैसे? उल्टा अपनी जेब से पैसे डालने पड़े। वैसे आप लोगों की आवाजें ना किचन तक आ रही थी, बड़ा मस्का लगाया जा रहा है मौलादाद साहब को। क्या बात है जानी, तुमने काम से काम रखो। तुम काम नहीं करते हो,
चुपके चुपके हमारी बातें सुनते ना तुम। अरे आखिर में बात घूम फिर के मेरे पास ही आनी होती, पहले इसलिए सुन लेता हूँ ताकि उस बात का हल तो हो। जानी किचन में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, चलो मेरे साथ आओ तुम, चलो। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आओ जाए तुम यहाँ पे जरा। क्या हो गया? तुम सारा काम खराब कर रहे थे। अरे मैंने क्या ऐसा कर दिया? आपको तो पता ही है कि कितनी इसका कसूर नहीं है, जरीना का कसूर है। अरे ऐसा क्या मसला हो गया था कि मोहरदा साहब को मक्खन नहीं बल्कि बाल्टियां भर भर के मक्खन लगा रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। बस अब तुम कम से कम अपनी जुबान बंद रखना। मुझे क्या मिलेगा? एक करोड़ की लॉटरी है तो ठीक है, 400-500 तुम रख लेना। मैं अभी बताता हूँ मौलाना साहब। रुको रुको जाने रुको। अच्छा ठीक है, तुम 1,000 रुपए रख लेना मौलाना साहब। तो क्या फिर पूरे करोड़ में तुम्हें दे दें? 10,00,000 रुपया बस। ये हुई ना बात। सीमा तुमको नहीं पता मार्केट में शूम लोगों से कैसे बात करता है ना। आओ मौलादात को मस्का लगाती है। चलो ये इनका काम है, मेरा नहीं है। आओ तो सही, आओ। मैं नहीं आ रहा। अच्छा तुम नहीं आते, चलो आगे। हेशमत बाबा बात तो सुनो, ये तो मशकूक हरकतें क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं निकल रही? मैंने कहा था ना मौलाबाद मजाइया है ना यार। उस वक्त से तुम मेरी तारीफें किए जा रहे हो, हालांकि मुझ में इतनी खूबियां है नहीं। मौलादात एक मसला है, तुमसे एक बात करना था जी। हाँ तो बोलो ना यार, अब कब बोलोगे जब वक्त गुजर जाएगा? नहीं अल्लाह ना करे जी, मैं तेरे को एक बात बतानी थी ना। हमारे पुराने घर का नंबर क्या था? 420। हमारे टेलीफोन के नंबर में आखिरी नंबर कौन सा होता था? 420। मेरी तारीख की पैदाइश क्या है? 4th महीना 20 तारीख। तुमको याद है लाहौर वाली पार्टी को मैंने चेक दिया था ना? मालूम है बाबा, अरे वो बाउंस होने पर उसने तेरे खिलाफ 420 का पर्चा भी कटवाया था बाबा। और तुमको याद है एक पार्टी ने मेरे को 4,20,00,000 का चेक दिया था ना? और उस वक्त तुमने मुझे 420 दिन पुराना उधार भी चुकाया था। वाह ये तो मेरे को याद ही नहीं था जी। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ये सारे किस्से तुम रिवाइंड करके मुझे क्यों बता रहे हो बाबा? क्या है ये 420 ना मेरा लकी नंबर है, लकी। और लॉटरी का टिकट में आखिरी नंबर 420 आता है, वो तुम्हारे पास है। अगर तुम मेरे टिकट से उस टिकट को बदल ले तो थोड़ा। हाँ तो बस ये लो यार टिकट, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो ये ले, ये लो। ठीक है वो। क्या बात है तेरी मौला, क्या बात है। थैंक यू बाबा साई। अरे बाबा इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो किस्मत के खेल है। वैसे इन बातों पर मुझे यकीन होता नहीं। अगर ये पढ़ के नहीं सुनाएगा तो 10,00,000 रुपए में से कुछ भी नहीं मिलने का तेरे। अरे सर आप तो सीरियस ही हो गए। लाइए अखबार, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुनाने का? अच्छा जी, तो खबर है चूहों को बिल में घुसकर मारेंगे। अजीब फेमिगेशन वाली खबर है, छोड़े छोड़े। अच्छा ये थोड़ी मजे की लग रही है खबर। अच्छा खबर है कि एक दामाद ने अपने ससुर को उल्टा लटका के तबीयत से पैटी लगाई, उसके बाद सीधा करके बहुत मारा। इधर ला, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है जी? सॉरी सर, सॉरी। मिरिक में माजी की खोज का आगाज हो गया जी। लो इनको मिरिक की पड़ी हुई है, यहाँ दुनिया में जो है ना बच्चे ऐसे ही इनके मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ। नहीं कर रहे का, नहीं कर रहे का। सेठ साहब क्या बिजली की खबर है जो करंट लग रहा है? नहीं 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 नहीं, जाने इश्तियार पढ़ने का। लाइए लाइए मुझे लाइए। अच्छा जी खबर है, नौकरी का मसला, कारोबार में परेशानी, सितारों की चाल, लॉटरी का मसला, हर मसले का हल। मुफ्त मशवरे के लिए अभी कॉल करें। बेटा किन सोचों में घूमे आप? सीमा 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 मैं अभी अभी आपके बहुत जल्दी मिला है ना, जल्दी। हेलो जी, वो लॉटरी का टिकट का बात करना था जी। इश्तियार देखा था ना आपका?
आपका मतलब है कि लॉटरी का टिकट का जो है ना नंबर से पहले 1-1 लगेगा, इसके बाद लॉटरी। अच्छा ठीक है, 420 बार नहीं लगने का। अच्छा शुक्रिया। क्या हुआ पापा? वो कहता है नजूमी 420 बार नहीं लगने का, जिसके शुरू में 2 का आंसर लगेगा ना या 1-1 वो लगेगा। अब तो अल्लाह ही मालिक है जी। क्या हुआ पापा? वो जो टिकट बाबा साईं को दिया है ना, उसके शुरू में 1-1 आता है। क्या? अब कुछ नहीं हो सकता जी। सेठ साहब ऐसा ना करें, आपकी लॉटरी के आसरे में पता नहीं मैंने कितने ख्वाब सजा रखे हैं। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। अब मौले से टिकट लेना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देखिए मेरे पास एक आइडिया है, कल वैसे भी कुरान दाजी का नतीजा आ जाएगा, वो आज रात वैसे भी यहाँ रुकने वाले हैं, तो करना ये है। अल्लाह पे छोड़ दे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वैसे जानी आइडिया अच्छा है। शुक्रिया मैडम। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बड़ी गर्म हवा आई। टिकट निकालो, टिकट। चोर 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 चोर। अरे बाबा कौन है, कौन है बाबा, चोर कौन है? जानी तुम? अरे बाबा साई कांप में डर गए होंगे चोरों को देख के। हाँ बाबा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं बाबा साई, हम जा रहे हैं सोने, आप बैठो आराम से। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बाबा। अब मैं क्या बोलूं उनको कि तुम मेरे कमरे में चोरी करने आए? बाबा तुम बाप बेटियों का मसला क्या है भाई? बाबा साहिब मैं कैसे बोलूं? इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको, जरा साइड पे जाकर। सीन असल में ये है बाबा साहिब कि वो ना चलो तुम मेरा भी रख लो और अपना भी रख लो, ठीक है बाबा? नहीं नहीं बस इतना काफी है, हम किसी का ज्यादा एहसान नहीं लेते। वैसे भी अब मैं जा रही हूँ, हमारी लॉटरी लगने वाली है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सुबह कब होगी बताओ? सुबह कब होगी हमारी लॉटरी निकले की? फिर से तो खुशी की इंतहा है ये तो। लेकिन एक बात है, हमारी अगर लॉटरी में इनाम निकल आया ना तो इनके अब्बा की तरफ से 2 पैसे फ्री आपके लिए। जानी बाबा साहब मैं जा रही हूँ, आप भी आराम करें, आराम करें। अब निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ, चलो और जाते में लाइट ऑफ कर दो। हाँ, ठीक। हाँ, हाँ, हाँ। नींद भी खराब कर दी। अरे बाबा ये जानी किधर रह गया है? सब यहाँ बैठे हैं, नाश्ते का कुछ आता पता ही नहीं है। हाँ बाबा मैंने भी घर में देखा, सारे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं किधर है। जाने किधर है? अरे बाबा जानी ये तुम स्कूल क्यों जा रहे हो बाबा? नाश्ता कौन बनाएगा? स्कूल नहीं जा रहा, नाश्ते का फैसला अखबार देखने के बाद होगा। क्यों बाबा, नाश्ते भी टैक्स आयद हो गया है क्या? इसमें लॉटरी का नतीजा निकला है। लाओ बाबा लाओ, मैं देखता हूँ। लाओ लाओ, शाबाश। मैं देखती हूँ। हाँ बाबा एक मिनट। हाँ ये ले बाबा। बाबा सही कर देखो। हाँ इनका नंबर क्या है? 365 363। अच्छा बाबा ये हम देख रहे लॉटरी का टिकट, तो जाओ ना नाश्ता बनाओ। ओहो ये नंबर तो नहीं लगा। देखा ना नजूमी काम आ गया। अब मेरा बारी। अरे चलो बाबा कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कोई उम्मीद थी नहीं। अरे बाबा सही मुझे भी ये सब फजूल काम लगते हैं। बाबा दो, बाबा जानी जाओ हो गया सर्कस, अब नाश्ता बनाओ। अरे बच्चू भाई सेठ हशमत वाला भी तो देख लें। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। बाबा ये क्या लिखा है? 4-2-0। और बाबा ये वाला 4-2-0। लग गई लॉटरी, लग गई पापा। आ, 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 आ,
बाबा लग गई लॉटरी, जाओ बाबा नाश्ता बनाओ, चलो शाबाश। देखो बच्चू बहुत हो गया, मैंने आज से बल्कि अभी से नौकरी छोड़ दी है। अरे बाबा तू हमसे ऐसे बात करेगा? बहुत हो गया बच्चू, और ये तू तड़ाक से किससे बात कर रहा है? अरे बाबा लॉटरी इन लोगों की लगी और नौकरी छोड़ के तुम जा रहे क्यों? सेठ साहब वादे के मुताबिक पूरे 10 लाख मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा और अकाउंट नंबर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ये जरीना और बच्चू जैसे नफसियाती और पागल लोगों के दरमियान मैं अब नहीं रह सकता, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। पापा इसमें तो हमारा नंबर 3rd लगा है और वो सिर्फ 500 रुपए का इनाम है। 500 रुपए की लॉटरी बाबा। बहुत अच्छा बा, 500 रुपए की खाते बड़ी औकात से बाहर निकल रहे, अभी बताते तुझे। अरे बाबा जानी तुम किधर जा रहा है? मैडम जरीना और दी ग्रेट बच्चू भाई के लिए प्यारा सा लजीज नाश्ता बनाने। अच्छा ना बाबा ना, अब तुमने अंदर नहीं जाना है बाबा, क्योंकि तुम बच्चू और जरीना जैसे जाहिल गवार और उजटों के साथ नहीं रह सकता है ना, तो बाबा तुम अंदर नहीं जाएगा, तुम जाएगा बाहर, घर से भी और नौकरी से भी, चला बाहर। बच्चू भाई माफ कर दे, माफ कर दे। माफी नहीं मिलेगी। अब मजाक में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं बाबा। अच्छा भाई माफ कर दो। बाबा से आप निकलो। निकला बाबा। चलो बाबा बाहर। चलो बाहर। चलो बाहर। आप जानवरों के डॉक्टर हैं क्या? हाँ इलाज करा ना आपने? मैं आपको जानवर दिखता हूँ क्या? अरे बाबा मेरा मतलब है कि गांव में मैं देखभाल करती थी भैंसों की, इसीलिए मुझे पता है। एक बहुत बुरी खबर है। अरे क्या हुआ बाबा, बेग साहब का तबादला हो गया क्या? अरे बेग साहब इसमें कहाँ से आ गए? अरे बाबा बताओ ना क्या बात है, बहुत अरसे से कोई बुरी खबर नहीं सुनी है। 5 भैंसे मर गई। क्या? अरे बाबा ये क्या बात कर रहे हो? क्यों बाबा, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं तो फिर क्यों जा रही हो गांव? वो या मुझे सर्दी लग रही है। अरे बाबा सर्दी तो गांव में है, यहाँ तो गर्मी है। अच्छा जरीना तुम बताओ ये किसका काम हो सकता है? मुझे तो आप पर शक है। ये क्या बकवास है, मेरा भैंसों से क्या ताल्लुक? क्यों भैंसे आपकी कुछ नहीं लगती क्या? अरे बाबा किस बात का डर लग रहा है? बस बाबा से मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं भी ना मर जाऊं। अरे बाबा कौन मारेगा तेरे को? भैंसे। आना जैसे भैंसे मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। भैंसे इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर।